हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चेन चीगू। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सहजन यानी कि सरगवा की ऐसी सब्जी जिसमें ना तो टमाटर ना तो प्याज की जरूरत है, फिर भी ये इतनी स्वादिष्ट बनेगी। और वैसे ये सरगवा बहुत सारे विटामिन से भरपूर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सरगवा और इसमें मैंने आलू भी डाले ताकि बच्चे अगर सरगवा ना खाए तो वो आलू भी खा सकते, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाली सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसको मैंने नमक डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को अब हम गर्म होने देंगे। तो अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा और 1 पिंच हींग। राई को अभी हम अच्छे से फूटने देंगे। अभी यहाँ पे हम और यहाँ पे डाल देंगे लहसुन की चटनी। अगर आप लहसुन की चटनी ना हो तो आप ऐसे भी लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की चटनी का यूज किया हुआ है। इसको अभी हम अच्छे से सोते कर लेंगे ताकि क्या होगा कि इसमें कच्चेपन का टेस्ट भी ना आए और ये अच्छे से इसमें फ्राई भी हो जाए और पक भी जाए। वैसे सरगवा बहुत सारे विटामिन से भरपूर है, तो अगर आप इसकी सब्जी बना के खाते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। ये शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो अभी यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए सरगवा और आलू को यहाँ पे हमें मिक्स कर देना है। ये वैसे बॉईल किए हुए तो इसको पकाना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसको मसाले के साथ हम ऑयल के साथ तड़के के साथ इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हरा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हो। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये बात का ध्यान रहे कि हमने जब ये सरगवा को बॉईल किया था उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप नमक डालिएगा। तो यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग ही नमक डाला हुआ है। अब सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं वो सिंग और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और घुल जाए। इस टाइम पे मैं आपको याद करा दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आगे नई नई रेसिपी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैं अदरक का इतना छोटा सा टुकड़ा जो ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप इसको पेस्ट वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें अदरक डालना अच्छा रहता है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये आपको आलू वगैरह पचने में भी हल्का रहता है। तो ये आप अवश्य डालेगा। तो इसको डालने के बाद अब अच्छे से वापस से इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज इसको लाइक भी कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहता है। तो इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूं। वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो इसमें प्याज टमाटर की ग्रेवी वाला भी बना सकते हो, पर अभी मैं जो बना रही हूँ उसमें प्याज टमाटर बिल्कुल हमने यूज नहीं किया हुआ है। तो अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैं और 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये गिलास छोटे हैं। तो अगर बड़े ग्लास से डालो तो 1 गिलास, और अगर छोटे ग्लास से डालो तो 2 गिलास।
यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसको कर लेंगे अच्छे से हम मिक्स। यहाँ पे हमने आमचूर पाउडर मैंने डाला है क्योंकि यहाँ पे हमने टमाटर नहीं डाले हैं, और अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे लेमन जूस यानी कि नींबू के रस का भी यूज कर सकते हो। वापस से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको उबलने लगा है तो अभी यहाँ पे हम डाल देंगे बेसन। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन का यूज किया हुआ है। इसको पहले उबलने देना है, जब पानी उबलने लगे तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऊपर से अच्छे से स्प्रिंकल की तरह सारे बेसन का यूज कर लेंगे। यहाँ पे 1 कप बेसन मैंने यूज किया है, उसको अच्छे से यहाँ फैला देंगे। ये बेसन वाली सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इस टाइप की आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो अभी इसको अभी हम ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो अभी 3 से 4 मिनट तकरीबन हो गई है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये बेसन अच्छे से पक गया है। यहाँ पे बेसन को हमने भुना नहीं था, हमने कच्चे बेसन का ही यूज किया हुआ है, तो डायरेक्टली हमने इसके ऊपर इसको डाला हुआ है। तो इसको अच्छे से अभी हम मिक्स कर लेंगे। खास बात का ध्यान रहे कि आपको इसको हल्के हाथ से धीमे धीमे इस तरह से मिक्स करना है, वरना क्या होगा कि आपकी जो बॉईल की हुई ये सरगवा की सींग है वो टूट जाएगी और एकदम खुल जाएगी। तो इस तरीके से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। वापस से इसको ढक के हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे धीमी आंच पे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अभी वापस से चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि ये सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। इसको बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट है। ये सब्जी बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी, ये बहुत ही अच्छी बनती है। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलो गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम अच्छे से सर्व कर देते हैं। गरम गरम रोटी पराठा पूड़ी वगैरह के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से सर्व कर लिया है। तो आप भी बनाइएगा बिना टमाटर बिना प्याज के ऐसी सब्जी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।